राजस्थान की बनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व में बने 19 नए जिलों में 3 जिले कम करने की बात कही है। प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से 19 नए जिले बनाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से ठीक पहले की गई 3 नए जिलों की घोषणा पूरी नहीं होगी। राजस्थान की बनलाल सरकार ने विधानसभा में विधायक हरीश चंद्र मीणा की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है कि नए जिलों के पुनर्गठन या सदन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति को समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में प्रदेश में बने नए जिलों में 3 शहरों के जिले बनने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया। पूर्ववर्ती सरकार ने एक साथ 19 शहरों को नए जिले घोषित किए थे। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले 2 बार नए जिलों की घोषणा की थी। पहले चरण में 19 नए जिले बनाए गए थे। इसके बाद राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 50 हो गई थी। बाद में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से ठीक पहले कांग्रेस सरकार ने 3 और नए जिलों की घोषणा कर दी थी। ऐसे में पहले से ये माना जा रहा था कि इन 3 जिलों को रद्द किया जा सकता है, क्योंकि आचार संहिता लगने के कारण कुचामन, मालपुरा व सुजानगढ़ जिलों पर कोई काम नहीं हो पाया था और न ही इनका प्रशासनिक ढांचा तैयार हो पाया था। ऐसे में अब राजस्थान की बदलाल सरकार ने विधानसभा में विधायक हरीश चंद्र मीणा की ओर से पूछे गए सवाल पर बयान दिया था कि कुचामन, मालपुरा व सुजानगढ़ को बने जिलों को बदलाल सरकार रद्द करेगी। हालांकि अभी तक कोई सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन इन 3 जिलों का रद्द होना लगभग तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में पहले 33 जिले थे, लेकिन 19 नए जिले बनने के बाद इनकी संख्या 52 हो गई थी। हालांकि जयपुर और जोधपुर को 2 भागों में बांटा गया था, इस कारण जिलों की संख्या कुल 50 हो गई थी। राजस्थान में अब हनुमानगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, दुदू, फलोदी, गंगापुर सिटी, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड, हैरतल, तिजारा, निम्बथाना, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा, भीलवाड़ा वाला, गंगानगर, धौलपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, करौली, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, दौसा, सिरोही, झुंझुनू, सीकर, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, बाड़मेर, जालौर, भरतपुर, अलवर, प्रतापगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक और उदयपुर जिले हैं। इसी तरह की अन्य तमाम खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए द नगरी मीडिया के साथ। नमस्कार।